डियर स्टूडेंट्स, BSCG पार्ट थर्ड कोर्स GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ। इस कोर्स के अंतर्गत बाजरा यानी पर्ल मिलेट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल रिगार्डिंग पर्ल मिलेट रिसर्च। एट नेशनल लेवल एज वी नो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट क्रॉप्स आर गोइंग ऑन। सिमिलरली ए प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट, दैट इज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट इज कोऑर्डिनेटिंग ऑल रिसर्च एंड वैरायटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू पर्ल मिलेट। रिसर्च ऑन पर्ल मिलेट इम्प्रूवमेंट इन इंडिया इज कैरीड थ्रू द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट AICRP PM यानी पर्ल मिलेट। ए सेंट्रल प्लान प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड इन 1965 बाई ICR अंडर द नेम ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICMIP विद इट्स हेडक्वार्टर एट IRI। द हेडक्वार्टर ऑफ AICMIP शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली IRI टू पुणे इन 1977। लेटर ऑन प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ अदर पर्ल मिलेट एंड ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड पर्ल मिलेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड इन पुणे इन 1985। यानी 1985 तक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मिलेट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट कलेक्टिवली चला, जिसका पहले दिल्ली में था हेडक्वार्टर, बाद में पुणे शिफ्ट हुआ। और 1985 के बाद में पर्ल मिलेट यानी बाजरा के लिए सेपरेटली ये प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश्ड हुआ पुणे में। इसके बाद दोबारा इन 1995 इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट इम्प्रूवमेंट वाज शिफ्टेड टू जोधपुर बाय ICR, दैट इज इन राजस्थान स्टेट, विच स्टेट ऑक्यूपाइंग अबाउट द हाफ ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री। यानी कि 1995 से जोधपुर में इसका सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया गया, हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश कर दिया गया, चूँकि राजस्थान एक मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग और बाजरा ग्रोइंग स्टेट है। मोर देन हाफ ऑफ द एरिया इस राजस्थान स्टेट में ऑक्यूपाई होता है बाजरा के द्वारा। तो यहाँ जोधपुर में भी ये ARS जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है मंडोर, विच इज़ द पार्ट कम्स अंडर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, इसके अंदर इसको शिफ्ट किया गया। इस प्रकार से AICRP ऑन पर्ल मिलेट हैज ए नेटवर्क ऑफ 13 AICRP सेंटर्स इन राजस्थान। यानी इस ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट के 13 सेंटर्स हैं, जिनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु प्रमुख रूप से हैं। मैंडेट ऑफ AICRP यानी इसके प्रमुख क्या उद्देश्य हैं, तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य है, एक्टिविटीज एंड रिसर्च ऑन पर्ल मिलेट इन द एरिया, किन किन क्षेत्रों में काम करता है, एरिया ऑफ जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, इंसेक्ट एंड पेस्ट एंड वैल्यू एडिशन। यानी 4 डायमेंशन पर मेनली फोकस है, जिसमें जर्म प्लाज्म कलेक्शन और यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन यानी यील्ड बढ़ाना, और प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स सुरक्षा प्रदान करना, और वैल्यू एडिशन जो आजकल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रखा है। वैल्यू एडिशन यानी इसमें इसकी
जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार करना बाजरे के, जिससे कि इसका स्कोप और बढ़े, इसका दाम अच्छा मिले। पर्ल मिलेट अलोंग विद अदर मिलेट्स रीनेम्ड एज न्यूट्री सीरियल फॉर प्रोडक्शन कंजप्शन ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल यूज इन एंड इंक्लूडेड इट इन PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी पर्ल मिलेट को PDS सिस्टम से भी जोड़ा गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड द ईयर 2018 एज द ईयर ऑफ मिलेट्स फॉर ब्रिंग मिलेट इनटू मेन स्ट्रीम फॉर एक्सप्लोइटिंग द न्यूट्रिशनल रिच प्रॉपर्टीज एंड प्रमोटिंग दियर कल्टीवेशन। और MSP भी इसका बढ़ाया गया, इस प्रकार से इसका MSP बढ़ा के 2000 तक कर दिया गया है बाजरा का। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है और गवर्नमेंट ने इस पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित किया है ताकि बाजरा और अन्य जो मिलेट्स हैं जिसको एक नेगलेक्टेड भूमियों पर और कम एडवर्स क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बोया जाता है, उसके बावजूद इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को पहचाना गया और उस आधार पे इसको 2018 में ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। 2021 में FAO ने इसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। तो ये सारी चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंस को बिल्कुल प्रदर्शित करती हैं, स्थापित करती हैं। थ्रू AICRP पर्ल मिलेट रिलीज 100, ये प्रमुख रूप से इसके अचीवमेंट्स हैं। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट की 175 हाइब्रिड्स और 62 वेराइटीज हैव बीन रिलीज्ड बाय AICRP पर्ल मिलेट। दीज हाइब्रिड्स कवरिंग 60% एरिया ऑफ बाजरा एंड लीडिंग टू एन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 305 kg यानी 305 किलोग्राम प्रति हेक्टर 1950-51 जो इसकी पैदावार हुआ करती थी बाजरा की, उसको बढ़ा करके 1234 किलोग्राम प्रति हेक्टर 2018-19 में हो गया। इसी प्रकार से स्टेट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्राइवेट सेक्टर्स आर आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। फार्मर्स रिसर्चर्स एग्रीकल्चर स्टूडेंट साइंटिस्ट एटसेट्रा ऑल आर साइमल्टेनियसली और कलेक्टिवली डूइंग नाइस वर्क ऑन द बाजरा और पर्ल मिलेट। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स विद इट्स हेडक्वार्टर एट पाटनचेरू हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 विद द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च CGIAR। पर्ल मिलेट इज वन ऑफ द 5 मैंडेट क्रॉप्स ऑफ इक्रीसेट यानी जो इक्रीसेट की 5 मैंडेट में क्रॉप्स आती हैं जिसमें पर्ल मिलेट सोरगम चिकपी पीजन पी ग्राउंडनट यानी दो दलहन एक तिलहन और दो मिलेट्स, पांचों बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही न्यूट्रिशनल पर्पज से एक क्रॉप है। ये मैंडेट में आती हैं, किसके मैंडेट में आती हैं, ये इक्रीसेट के मैंडेट में आती हैं। द प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एट इक्रीसेट कंसनट्रेट्स ऑन जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन ब्रीडिंग हाइब्रिड्स विद ब्रीडिंग मेल स्टाइल ए लाइन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स ए लाइन क्रॉस विद ओपन पोलिनेटेड वेराइटी। यानी जो इसका इक्रीसेट पर जो काम हो रहा है बाजरा में वो मेनली तो टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स पे हो रहा है। टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स मीन्स जो फीमेल पेरेंट होगा वो ए लाइन यानी मेल स्टराइल लाइन इनब्रेड लाइन है और इसको ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से क्रॉस कराया जाता है, इसको हम कहते हैं टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स। तो टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स को क्यों लिया गया है इसमें? टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स आर प्रिफर्ड एज सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस फॉलोइंग फैक्टर्स। ये इक्रीसेट ने रिपोर्ट 1989 में सबमिट किया हुआ है। नंबर 1 मोर वेरिएबल पोलिनेटर ऑफ द टॉप क्रॉस हाइब्रिड्स कैन बी कंस्टेंटली टू मेंटेन द डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस यानी जो बाजरा का सबसे जो
लेकुना है बाजरा प्रोडक्शन में, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, जो बाधा है, जो अवरोध है बाजरा में, वो डाउन मिल्ड्यू है। तो डाउन मिल्ड्यू रेजिस्टेंस के लिए इसके पोलन पेरेंट्स हैं, दे आर मोर वेरिएबल एंड सपोर्ट द रिलीजिंग द और इम्प्रूवमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस वेराइटीज रिगार्डिंग डाउन मिल्ड्यू। नंबर टू, इट इज लेस लाइकली दैट देयर विल बी making problems to producing the hybrids due to the greater spread of flowering in the variety. यानी flowering इसमें बहुत अच्छी होती है तो ज़्यादा hybrid पैदावार होगी। Pollinator is more vigorous as it does not suffer from inbreeding, making production of seed of flowering in a variety. तो ये पोलिनेशन ज़्यादा विग्रेस है तो ज़्यादा भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं होगा। नंबर फोर, इट डज नॉट टेक एज मैनी जनरेशंस टू ब्रेड एज एन इनब्रेड पोलिनेटर एंड सीड ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल हाइब्रिड्स इज इजीली प्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ ए टॉप क्रॉस पोलिनेटर ब्रीडिंग स्कीम। नंबर फाइव, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेड डिजायरेबल रेजिस्टेंस ऑफ द टॉप क्रॉस पोलिनेटर देर इज टाइम टू स्पेसिफिकली ब्रेड ए लाइन फॉर हाई कंबाइनिंग एबिलिटी विद द पोलिनेटर, यानी इसकी कंबाइनिंग एबिलिटी भी हाई होती है। नंबर सिक्स, द मोर वेरिएबल टॉप क्रॉस हाइब्रिड विल बी लेस ससेप्टिबल टू डिजीजेज सच एज डाउनी मिल्ड्यू देन द सिंगल क्रॉस हाइब्रिड्स। इस प्रकार से इक्रीसेट पर्ल मिलेट वेराइटी जो रिलीज है MP124, जिसको ICTP8203 हैज बीन रिलीज्ड इन महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द वेराइटी हैज लार्ज सीड, मैच्योर्स अर्ली इन 75 to 80 days, टोलरेट्स ड्रॉट टोलरेंस एंड रेजिस्टेंस टू डाउनी मिल्ड्यू। इसी प्रकार से इक्रीसेट पर्ल मिलेट हाइब्रिड ICMH451 इज वेरी पॉपुलर वेराइटी इन इंडिया। ये इसके मेन अचीवमेंट हैं, प्रमुख अचीवमेंट हैं। मोर देन 1,700 जर्म प्लाज्म लाइन्स एंड 68 वाइल्ड स्पीसीज ऑफ पर्ल मिलेट आर मेंटेन्ड एट इक्रीसेट। दीज आर द मेन अचीवमेंट्स ऑफ द इक्रीसेट। इस प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दीज आर द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पर्ल मिलेट। थैंक यू।